नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति, मैं आपका कुकिंग को इंस्पायर करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाफले। बाफले बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोटा आटा 1/2 kg, 4 tablespoon सूजी, 4 tablespoon दही, 1 teaspoon अजवाइन, 1 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर और 1 pouch इनो। सबसे पहले मैंने एक प्लेट में आटा को लेना है, इसके बाद सूजी को लेना है, ये हल्दी पाउडर, नमक और अजवाइन, और ये जो इनो है इसको भी लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये दही से इसको गूंदूंगी। मैंने दही के साथ गूंद लिया है। अब मेरा आटा थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुझे पानी देना है। थोड़ा सा ही पानी देंगे और आटा जो है वो पूड़ी की तरह सॉफ्ट होगा, ना तो हार्ड होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसी आटा को मुझे 1 घंटा के लिए रखना है ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गए है, मेरा आटा सेट हो गया है। अब मैं इस आटा को थोड़ा सा और एक बार मसल लूँगी। इसको अच्छे से नीर करना पड़ेगा ताकि जो डो है वो सॉफ्ट बने। मेरा जो डो है बाफले बनाने के लिए वो तैयार हो गया है। अब मेरे को एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखना है। अब मैंने इसमें पानी डालने जा रही हूँ। अब मैं इसको रोल करूँगी और छोटा छोटा पोर्शन से डिवाइड कर लूँगी। आप जब बनाएंगे तो आपके हिसाब से आप पोर्शन ले सकते हैं। अब मैं ये पोर्शन को लूँगी और हाथ से अच्छे से गोल बनाऊँगी, फिर थोड़ा सा प्रेस करूँगी, ऐसे शेप देना है। मैंने ऐसे सबके साथ करूँगी। मैंने सारे बाफले को ऐसे बना लिया। अब मैंने पानी में इसको छोड़ूँगी। बाफले बनाने के लिए सबसे पहले जो पानी में मुझे बाफले को बॉईल कराना है वो पानी बॉईल होना चाहिए। पानी से अच्छे से उबल आ जाए तभी हम इसमें बाफले को डालेंगे। देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है। अब मैंने इसको पानी के अंदर छोड़ूंगी। बाफले को बॉईल होने के लिए आपको पानी इतना देना है ताकि वो बाफले अच्छे से बॉईल हो सके। बाफले को जैसे ही मैंने कच्चा बना के छोड़ा है तो वो बाफले नीचे चले गए। जैसे ही ये ऊपर फ्लोट होने लगेंगे इसका मतलब वो पक गए हैं। देखिए बाफले जैसे ही पक जाता है तो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आने लगते हैं। देखिए सारे बाफले ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया है। अब इसको मैंने पलट दूंगी। बाफले पकने में करीब करीब 15-20 मिनट चाहिए। 15-20 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। जैसे पक जाएगा फिर मैंने इसको प्लेट में उठाऊंगी। बाफले अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैंने इसको एक प्लेट में उठाऊंगी। बाफले को मैंने प्लेट में उठा लिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया।
बाफले ठंड हो गए हैं, अब मैंने इसको तवा पे फ्राई करने जाऊंगी। मैंने गैस पे पैन रखा है, अब पैन में मैंने घी डालूंगी। घी जैसे मेल्ट हो गए हैं, अब मैंने ठंडा हुआ बाफले को इसमें रखूंगी फ्राई होने के लिए। अब मैं चेक करूंगी, इसके नीचे साइड लाइटली गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने सारे बाफले को पलट दूंगी। बाफले को फ्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये स्लो फ्लेम पे फ्राई होगा, करीबन 20 मिनट्स लगता है। अब मैंने इसका दूसरा जो साइड है उसको पलट दूंगी। बाफले को दो तीन बार पलट पलट के हमें फ्राई करना है, एक बार में ये फ्राई नहीं होता है। देखिए जो बाफले है मैंने अच्छे से दो साइड ही फ्राई किया है। अब मैंने इसको प्लेट में उठाऊंगी। बाफले फ्राई हो गए हैं, पर इसको जब सर्व किया जाता है तो इसके अंदर और थोड़ा सा घी ऐड किया जाता है। ऐसे बाफले को बीच में से थोड़ा सा प्रेस करना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। ये बाहर से अच्छे से क्रिस्प हो गया, पर अंदर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको थोड़ा सा स्पून से घी लेके ऐसे तोड़ना है और इसके अंदर घी को देना है। आप अपने हिसाब से घी यूज़ कीजिए, अगर घी खाना इशू है तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। बाफले को दाल के साथ सर्व किया जाता है। आप इसको घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।